10 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे, उससे पहले भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चित्रदुर्ग में रैली की, वहीं राहुल गांधी ने तुमकुरु और हरिहर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की विश्वसनीयता खो चुकी है, ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी झूठी है। वहीं राहुल ने कहा, कर्नाटक में भाजपा ने चोरी से सरकार बनाई, भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को खत्म कर इसे चुरा लिया। पीएम कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। पीएम ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में शिक्षा को फोकस में रखने की बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विद्या निधि की शुरुआत की है, आदिवासी साथियों के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए, कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की यूनिफॉर्म में भी घोटाला कर दिया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास को आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा, जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। पीएम ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों की एक और चिंता का समाधान किया है। हमारी सरकार मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर दे रही है, इससे गांव गरीब के युवाओं को विशेष लाभ होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में कर्नाटक को देश में नंबर वन राज्य बनाने के लिए एक रोडमैप है, इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक ब्लूप्रिंट है, इसमें महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।